हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं आपको कुछ हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स बताऊंगा जो कि सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हाईली यूजफुल रहेंगे। और ये एक मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें मैं हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स डिस्कस करूँगा बहुत ही डिटेल में। देखिए, ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत ही कॉमन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं, वोकैबुलरी सेक्शन में भी, आरसी में भी, क्लोज टेस्ट में भी। तो इन वर्ड्स को हम डिस्कस करते हैं सेंक्टिमोनियस। देखिए, एक ये वर्ड है सेंक्टिमोनियस, क्या क्या मतलब है इसका? मेकिंग अ शो ऑफ बीइंग मोरली सुपीरियर टू अदर पीपल, यानी अपने आप को सुपीरियर मानना दूसरे किसी व्यक्ति से। मेकिंग अ शो ऑफ बीइंग मोरली सुपीरियर टू अदर पीपल। वट हैपन टू ऑल द सेंक्टिमोनियस टॉक अबाउट पुटिंग हिज फैमिली फर्स्ट। सेंक्टिमोनियस टॉक मतलब अपने आप को सुपीरियर मानना या अपने अपने बारे में बोलना। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कुछ इडियम्स भी यहाँ पर दिए हैं। मैनी ऑफ अस हैव टायर्ड ऑफ हिज सेंक्टिमोनियस स्मग कॉन्डिसेंसेंस, ठीक है। हाउ डेयर अ मिड वाइफ बिहेव इन सच ए सेंक्टिमोनियस एंड सेल्फ राइटियस मैनर। सेंक्टिमोनियस का सिंपल सा मतलब अपने आप को सुपीरियर समझना और सुपीरियर महसूस करना, ठीक है। सेल्फ राइटियस इसके लिए एक वर्ड है, चर्ची इसके लिए एक वर्ड है, पायस है। और होलियर देन दाऊ, होलियर देन दाऊ का मतलब भी होता है सेंक्टिमोनियस। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है स्मक। तो इस तरह के वर्ड्स काफ़ी आते हैं पर्टिकुलरली एसएससी एग्जाम में। अंक्चुअस ये एक वर्ड है। और एक ये वर्ड है मीली माउथ। मीली माउथ का मतलब भी है अपने आप को सुपीरियर समझना, मीली माउथ या हाइपोक्रिटिकल, ठीक है। तो सेंक्टिमोनियस ये एक अच्छा वर्ड है और इसका मतलब है सुपीरियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। टॉर्पिड से बना है टॉर्पिडिटी। टॉर्पिडिटी नाउन है और टॉर्पिड एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है स्लगिश या लेथार्जिक या इनएक्टिव या धीमा या लेजी। टॉर्पिड एक अच्छा वर्ड है ये। टॉर्पिडिटी नाउन है, टॉर्पिड एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट्स ए मैन्स ओन फॉल्ट, इट इज़ फ्रॉम वॉन्ट ऑफ यूज इफ हिज माइंड ग्रोज टॉर्पिड इन ओल्ड एज। ओल्ड एज में माइंड जो है वो टॉर्पिड हो जाता है, वो लेजी या स्लगिश हो जाता है, लेथार्जिक हो जाता है, ठीक है। टॉर्पिडिटी नाउन है, टॉर्पिड एक एडजेक्टिव है। रिफ्रैक्ट्री ये वर्ड भी काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है स्टबर्न और अनमैनेजेबल। कोई भी चीज़ जो जिद्दी है, स्टबर्न है, जिसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। हिज रिफ्रैक्ट्री पोनी मतलब उसकी जो चोटी है वो मैनेज नहीं होती और उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो रेजिस्टेंट टू ए प्रोसेस और स्टिमुलस, देखिए ये काफ़ी अच्छा इसका डेफिनेशन है, रेजिस्टेंट टू ए प्रोसेस और स्टिमुलस, ठीक है। सम ग्रेन्यूल्स आर रिफ्रैक्ट्री टू सेकेटरी स्टिमुलाई। इट विल ट्रीट ओर्स कंसिडर्ड रिफ्रैक्ट्री टू नॉर्मल फ्लोटेशन मेथड्स। तो रिफ्रैक्ट्री का इतना याद रखिए कि स्टबर्न या अनमैनेजेबल इसका मतलब होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हैरांग, और इसका मतलब है टायरेड, यानी अ लेंथी एंड एग्रेसिव स्पीच। अ लेंथी एंड एग्रेसिव स्पीच। दे वर सब्जेक्टेड टू ए 10-मिनट हैरांग बाय 2 बॉर्डर गार्ड्स। मतलब जैसे कोई स्पीच देता है एक लेंथी, टायरेड या लेक्चर या डाइट्राइब। डाइट्राइब भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। हैरांग का मतलब होता है लेंथी स्पीच और इसको हम डाइट्राइब भी बोलते हैं। और होमिली एक नया वर्ड है, होमिली। तो हैरांग और होमिली सेम वर्ड है। एक्सपोस्टुलेट, कभी कभी इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं जिनको देख के काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। और एक्सपोस्टुलेट का मतलब है कि प्रोटेस्ट करना, डिसएग्री करना और डेमोन्स्ट्रेट करना, ठीक है। टू एक्सप्रेस डिसएग्रीमेंट और कंप्लेंट, तो ये है एक्सपोस्टुलेट। एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल और डिसएग्रीमेंट। He found Fox expostulating with a young man. तो इस तरीके से ये वर्ड्स मैंने लिए हैं, इनको एक बार हम देख लेते हैं। एक्सपोस्टुलेट का मतलब होता है डिसएग्री करना, रिमोन्स्ट्रेट करना, विरोध करना, एक्सपोस्टुलेट। नेक्स्ट हम देखते हैं हैरांग, इसका मतलब होता है लेंथी स्पीच। रिफ्रैक्ट्री स्टबर्न या अनमैनेजेबल। और टॉर्पिडिटी इसका मतलब है स्लगिश या लेथार्जिक। और सेंक्टिमोनियस इसका मतलब है सुपीरियर, ठीक है। तो ये मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं, ये हाईली इंपॉर्टेंट वर्ड हैं और हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को इस वीडियो क्लास में तो मैंने 5 ही वर्ड लिए हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो क्लासेस से मैं कुछ
10-12 वर्ड लूँगा और उनको मैं पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा। हाईली यूजफुल ये वर्ड्स रहेंगे। अन अकेडमी पर आप मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं बैंकिंग के लिए अन अकेडमी में पढ़ा रहा हूँ और 2 क्लासेस ले रहा हूँ, 11 से 12 और 1 से 2। इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं आप। अन अकेडमी का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ये है मेरा रेफरल कोड। इस रेफरल कोड को यूज़ करके आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं और अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेके मेरी लाइव क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उसमें सारे PDFs आपको मिलते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, डायरेक्टली आप इंटरेक्ट कर सकते हैं फैकल्टी के साथ, तो ये सारी फैसिलिटी उसमें आपको मिलती हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। यदि ये वीडियो क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको रेट, रिव्यू और रेकमेंड करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अब मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।